नमस्कार। यूपी में फिलहाल जंगल राज चल रहा है, अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और सरकार मासूमों को बचाने में असमर्थ दिखाई दे रही है। योगीराज में हत्याओं की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां लगातार प्रदेश में एनकाउंटर जारी है, वहीं दूसरी तरफ बदमाशों द्वारा हत्याएं लगातार हो रही है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गोरखपुर की, जहां एक पांचवी कक्षा के बच्चे को किडनैप किया जाता है, फिर 1 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं और अगले दिन बच्चे की लाश मिलती है। कितना शर्मनाक और दरिंदगी भरी घटनाएं हो रही है योगीराज में। दरअसल पूरी खबर आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि 14 वर्षीय बच्चे बलराम गुप्ता के पिता महाजन गुप्ता की परचून और पान की दुकान है। बच्चे का अपहरण रविवार को हुआ था और उसके बाद परिवार को फिरौती के लिए फोन आया था। दोपहर को बच्चा खेलने के लिए बाहर जाता है और शाम को फिरौती मांगी गई 1 करोड़ रुपए की। महाजन गुप्ता ने ये बात पुलिस को तुरंत बताई, लेकिन महाजन गुप्ता को मिली अगले दिन अपने ही बच्चे की लाश। ऐसे में हमारा सवाल ये है कि क्या ये घटनाएं रुकने का नाम लेगी? क्या प्रशासन जवाब देगा? आपकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइए।